हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे हैं, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने केमिस्ट्री में फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल मेजरमेंट के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको 7 बेसिक यूनिट्स बताई थी फिजिकल मेजरमेंट की और प्लस में सब्सिडरी यूनिट बताई थी जो उनकी हेल्प करती है। ये पॉइंट हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं और मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर भी हमने पढ़ा था। ठीक, आज के टॉपिक में भी हम फिजिकल मेजरमेंट को ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब फिजिकल मेजरमेंट करते हैं तो कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है। कुछ वर्ड हमारे सामने आते हैं, जैसे पहला वर्ड आता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है बेटा अनिश्चित, अनिश्चित। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको अनसर्टेनिटी फिगर के बारे में बताता हूँ या अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट बताता हूँ बेटा। एग्जाम्पल से समझेंगे। हम सब्जी वाले के पास गए, हमने कहा भैया 1 kg सब्जी दे दीजिए हमें। अब 1 kg का मतलब है कि वो हमें 1000 ग्राम देगा, लेकिन सब्जी वाला क्या करता है, हमें 1005 ग्राम दे देता है या 1010 ग्राम दे देता है, 5 या 10 ग्राम एक्स्ट्रा दे देता है ताकि ग्राहक खुश हो जाए, खुश रहे। ऐसे हमने दूध वाले से कहा भैया 1 लीटर दूध दे दो, तो दूध वाला जब दूध डालता है तो बाद में थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध डाल देता है। वो कहता है कि भाई ग्राहक खुश रहे। हम शुगर लेने गई, हमने कहा जी 1 kg शुगर दे दो दुकानदार से। दुकानदार ने क्या किया, 1002 ग्राम दे दिया हमें, 2 ग्राम शुगर एक्स्ट्रा दे दी। या फिर हम सुनार के पास गए, हमने कहा जी एक कोई भी ज्वेलरी बना दो 10 ग्राम की, उसने क्या किया 9.98 ग्राम की ज्वेलरी बना दी। तो एग्जैक्ट अगर आप देखो ध्यान से, इन सभी मेजरमेंट में मैंने कहा 1000 ग्राम हमें मान लो सब्जी लेनी है, लेकिन वो 1000 से थोड़ी ज़्यादा थी, यानी कि एग्जैक्ट मेजरमेंट से थोड़ी सी वैल्यू या तो ज़्यादा थी या थोड़ी कम थी वैल्यू, सभी उसमें एग्जाम्पल्स में हमने देखा। तो ये जो थोड़ी सी डिफरेंस होता है ना एग्जैक्ट मेजरमेंट से, इसको अनसर्टेन वैल्यू बोलते हैं बेटा। अनसर्टेन, वो फिक्स नहीं है, दूध वाले का फिक्स नहीं है कि इतना ही देना है, वो थोड़ा ज़्यादा भी दे सकता है, थोड़ा कम भी दे सकता है। तो वो क्या होते हैं, अनसर्टेन वैल्यू बेटा। ठीक है, हमने शुगर वाले से कहा 1002 ग्राम देखो जरूरी थोड़ा है, वो 1001 ग्राम भी दे सकता है, 1003 ग्राम भी दे सकता है या 999 ग्राम भी दे सकता है, 999 ग्राम। तो यानी कि ये जो 1-2 ग्राम ऊपर नीचे हो रहा है एग्जैक्ट वैल्यू से, इस वैल्यू को हम अनसर्टेन बोलते हैं बेटा। क्लियर होगी बात ये। अब जो अनसर्टेन वैल्यू है ये हमारी मेजरमेंट में आती है, अनसर्टेनिटी हमारी मेजरमेंट में आ जाती है। इसके 2 रीजन हो सकते हैं बेटा। एक तो जिस किसी भी ऑब्जेक्ट से हम मेजर कर रहे हैं, हम मान लो वेट कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिकल वेट है या हमारा वेट करने के लिए जो हम तराजू यूज करते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए, यानी कि जिस भी ऑपरेटर से हम मेजर कर रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत एरर हो जाए, वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए 1-2 ग्राम, ठीक है, दूध वाला एक कंटेनर से दूध डालता है उस पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, ठीक, या फिर जो इंसान मेजर कर रहा है वो थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दे। मान लो मुझे कहा जी मेजर कर रहा है, मैं जान बूझ के 1-2 ग्राम फालतू डाल दूँ, मेरा मेजरमेंट ऑपरेटर्स तो बिल्कुल सही हो लेकिन मैं खुद डाल दूँ 1-2 ग्राम फालतू, ठीक। तो यानी कि ये जो अनसर्टेनिटी है या तो उस डिवाइस पे डिपेंड करती है जिससे मेजर कर रहे हैं या फिर मेजर करने वाले पे डिपेंड करती है। यहां तक क्लियर होगी बात ये। ठीक, अब ये जो मेजर करने वाले हैं, देखो डिवाइस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो मेजर करने वाले हैं, कोई भी मान लो इंसान मेजर कर रहा है, उसकी जो प्रॉब्लम होती है उससे 2 तरह की प्रॉब्लम बढ़ सकती है बेटा। तो उसके लिए हमें 2 वर्ड जानने हैं। एक वर्ड होता है एक्यूरेट, एक्यूरेट बेटा। एक वर्ड होता है प्रीसीजन या प्रीसाइज। अगर आप इंग्लिश की बात करते हैं,
एक्यूरेट का मतलब होता है बिल्कुल सही, प्रिसीजन या प्रिसाइज का मतलब भी होता है बिल्कुल सही, और एग्जैक्ट का मतलब भी होता है बिल्कुल सही। इन तीनों वर्ड के मीनिंग बिल्कुल सही होते हैं, यानी कि इंग्लिश के हिसाब से इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन साइंस बताती है कि ये तीनों वर्ड डिफरेंट है, ये तीनों वर्ड सेम नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं अनसर्टेनिटी के ऊपर। किस पे डिपेंड करते हैं? अनसर्टेनिटी के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्यूरेट क्या है और प्रिसाइज क्या है। मान लेते हैं मैं आपको एक रूम की बात कर रहा हूं, मेरे पास कोई रूम है बेटा, एक रूम है जिसकी लेंथ बिल्कुल एग्जैक्ट, एग्जैक्ट लिख रहा हूं मैं, बिल्कुल एग्जैक्ट 10.5 मीटर है। एक रूम की लेंथ बिल्कुल एग्जैक्ट 10.5 मीटर है। अब मैंने क्या किया, 5 स्टूडेंट को खड़ा किया, उनसे कहा भी ये रहा आपका मेजरमेंट टूल, और इस मेजरमेंट टूल का यूज करके आप इस रूम की लेंथ को मेजर कीजिए। अब सभी ने क्या किया, उस लेंथ को मेजर करने की कोशिश की। तो जो फर्स्ट स्टूडेंट था, फर्स्ट, उसने मेजर किया 10.3 मीटर, सेकंड स्टूडेंट ने मेजर किया 10.4 मीटर, मान लेते हैं, थर्ड स्टूडेंट ने मेजर किया 10.5 मीटर, फोर्थ स्टूडेंट ने मेजर किया 10.6 मीटर, और फिफ्थ स्टूडेंट ने मेजर कर दिया 10.7 मीटर। मान लेते हैं भाई 5 स्टूडेंट ने इस रूम को मेजर किया, लेंथ को, रूम की लेंथ को, तो सभी ने अलग अलग मेजरमेंट निकाली। एक ने कहा भाई 10.3 है, वो हो सकता है कि एक जो मेजरमेंट टूल है उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से यूज कर रहा हो, एक उसको थोड़ा आगे पीछे करके यूज कर रहा हो। बहुत सारों को मेजरमेंट टूल चेक करना ही नहीं आता है। आप अपनी हाइट कैलकुलेट करते हो तो बहुत सारे बच्चों को हाइट देखनी नहीं आती, कैसे देखते हैं, तो घर पे सभी देखिएगा, चेक कीजिए अपनी हाइट कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेजरमेंट टूल कैसे यूज किए जाते हैं। ठीक, तो 5 स्टूडेंट ने डिफरेंट मेजरमेंट की और इनकी जो एवरेज वैल्यू है बेटा, एवरेज वैल्यू, अगर मैं इन सबकी एवरेज वैल्यू निकालूं तो वो आएगी 10.5 मीटर। ठीक है, अब समझ रहा जो मैं बोल रहा हूं, इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट इज इक्वल टू द एग्जैक्ट वैल्यू, अगर डिफरेंट मेजरमेंट की एवरेज वैल्यू, 5 लोग अलग अलग मेजर कर रहे थे, सभी ने अलग अलग वैल्यू निकाल लिया, सेम निकाल ली, बट उन सभी की जो एवरेज वैल्यू आई वो एग्जैक्ट के बिल्कुल बराबर है, एग्जैक्ट के, तो ये जो मेजरमेंट है बेटा 500 मेजरमेंट, ये मेजरमेंट कहलाएगी एक्यूरेट। डेफिनेशन देखो, इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट इज क्लोज टू द एग्जैक्ट वैल्यू, तो अगर एवरेज वैल्यू डिफरेंट मेजरमेंट की एग्जैक्ट वैल्यू के क्लोज आ रही है, द मेजरमेंट इज सेड टू बी एक्यूरेट, तो उस मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा, एक्यूरेट कहते हैं। और ये जो चेंजेस आ रहे हैं, तो ये चेंजेस है, मान लो एग्जैक्ट से ये 0.2 का चेंज कर रहा है, 0.1 का कर रहा है, 0.1 का, 0.2 का, तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना एग्जैक्ट से, डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस क्या है बेटा, अनसर्टेन वैल्यू, क्योंकि देखो फिक्स नहीं है। इसने 0.2 का डिफरेंस बताया, इसने 0.1 का बताया एग्जैक्ट से, इसने 0.1, इसने 0.2, अगर ये एग्जैक्ट फिक्स होता तो सभी का सेम होता, बट यहाँ तो फिक्स नहीं है, तो ये वैल्यू क्या है बेटा, अनसर्टेन वैल्यू। तो अनसर्टेनिटी की वजह से ही हम एक्यूरेट वैल्यू बोलते हैं बेटा, क्लियर होगी बात ये। तो एक्यूरेट या प्रिसीजन वर्ड आने का मेन रीजन है अनसर्टेनिटी, कन्फर्म बात ये। ठीक है, तो यानी कि अगर डिफरेंट मेजरमेंट की एवरेज एग्जैक्ट के बराबर हो जाए तो उस वैल्यू को एक्यूरेट वैल्यू बोलते हैं बेटा, ये बात क्लियर होगी। अब मैं सेकंड एग्जांपल लेके चलता हूं। सेकंड एग्जांपल में क्या किया, मैंने वही बात की, एक रूम की जो लेंथ है, ठीक है, एक रूम की एग्जैक्ट लेंथ मान लो 10.5 है बेटा, एक रूम की एग्जैक्ट लेंथ 10.5 है। अब मैंने वही 5 बच्चों से कहा, यह था हमारा केस 1, अब केस 2 की बात करता हूं। मैंने 5 बच्चों से कहा
कि बेटा ऐसा करो, इसको मेजर करो। अब पांच बच्चों ने उसको मेजर किया तो पहले ने वैल्यू निकाल ली 10.0 मीटर, अगले वाले निकाल ली 10.1 मीटर, फिर निकाल ली 10.2 मीटर, नेक्स्ट ने 10.3 मीटर, नेक्स्ट ने 10.4 मीटर। तो सभी स्टूडेंट ने उसको मेजर किया, सब ने क्या निकाली, एक मेजरमेंट निकाल ली, और सभी में अनसर्टेनिटी भी है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, बट इनकी जो एवरेज वैल्यू आई वो 10.2 मीटर आई बेटा। कितने आई? 10.2। इनकी एवरेज वैल्यू निकाल लो, 10.2 आई। अब ये क्या कहता है, देखो अगर डिफरेंट मेजरमेंट अपनी एवरेज वैल्यू के नियरली सेम हो, देखो 10.2 के नियरली सेम है, एवरेज वैल्यू चाहे एग्जैक्ट के बराबर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एग्जैक्ट के बराबर भी हो सकती है नहीं भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, ठीक है। लेकिन एवरेज वैल्यू के डिफरेंट मेजरमेंट नियरली सेम होनी चाहिए, तो ऐसी मेजरमेंट को हम प्रीसीजन बोलते हैं, प्रिसाइज बोलते हैं। डेफिनेशन देखो, इफ द वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट आर क्लोज टू ईच अदर, ये डिफरेंट मेजरमेंट एक दूसरे के भी क्लोज है, एंड हेंस क्लोज टू देयर एवरेज वैल्यू, और उसके एवरेज वैल्यू के भी क्लोज है, द मेजरमेंट इज सेड टू बी प्रिसाइज। तो उस मेजरमेंट को क्या बोलते हैं, प्रिसाइज बोलते हैं। द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट मे नॉट बी क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू, तो ये जरूरी नहीं है कि करेक्ट वैल्यू के बिल्कुल नजदीक हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। अगर ये करेक्ट वैल्यू के नजदीक आ जाएगी तो ये एक्यूरेट भी बढ़ जाएगी, क्लियर बात है। तो यानी कि अगर डिफरेंट मेजरमेंट अपनी एवरेज वैल्यू के क्लोज है और एक दूसरे के भी नियरली क्लोज है तो वो वैल्यू क्या कहलाएगी, प्रिसाइज कहलाएगी। लेकिन अगर डिफरेंट मेजरमेंट का मीन एवरेज करेक्ट के बराबर, एग्जैक्ट के बराबर है तो वो क्या बढ़ जाएगी, एक्यूरेट बढ़ जाएगी, क्लियर होगी बात है। अब मैं आपसे क्वेश्चन दूंगा तो आपको मुझे बताना है कि उसके अंदर एक्यूरेसी ज्यादा है या फिर उसके अंदर प्रिसीजन ज्यादा है या दोनों ही ज्यादा है, ठीक है। तो देखेंगे, एक बार इसको नोट करेंगे बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। अब देखेंगे, बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है क्या पूछा जा रहा है। जैसे मान लो हमारे पास जो वैल्यू है, अगर मैं बात कर रहा हूं 10.1, मेजरमेंट वन है बेटा, पहले तो मैं एग्जैक्ट लिख देता हूं, एग्जैक्ट वैल्यू है मान लो 10.5 मीटर, यही बात कर रहा हूं। फर्स्ट स्टूडेंट ने मेजर किया 10.1 मीटर, ठीक, मैं वैल्यू लिख रहा हूं। सेकंड ने मेजर किया बेटा 10.3 मीटर, थर्ड पर्सन ने मेजर किया 10.5 मीटर, फोर्थ ने मेजर किया 10.7 मीटर, और फिफ्थ ने मेजर किया 10.9 मीटर। पांच बच्चों ने अलग अलग मेजर किया बेटा, ठीक, अलग अलग मेजर किया, तो इसकी जो एवरेज वैल्यू आई हमारी वो आ गई 10.5 मीटर। आप एवरेज निकाल के देख लो, 10.5 मीटर आएगी। अब देखो डिफरेंट मेजरमेंट की एवरेज वैल्यू एग्जैक्ट के सेम है तो इसका मतलब क्या है, एक्यूरेसी अच्छी है इसमें। लेकिन जो एवरेज वैल्यू है वो डिफरेंट मेजरमेंट से बहुत दूर है, देखो 10.9 10.5 बहुत दूर है, ठीक है, ऐसे 10.1 ये 10.5 बहुत दूर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर प्रिसीजन क्या है, बहुत पुअर है। तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटा, गुड एक्यूरेसी अच्छी है एंड पुअर प्रिसीजन। तो प्रीसीजन क्या है बेटा, पुअर है हमारा। एक मेजरमेंट और बताता हूं मैं, मान लेते हैं जो वैल्यू है हमारी, ठीक, वो है फर्स्ट वैल्यू है 10.0, सेकंड वैल्यू है 10.7 मीटर, थर्ड वैल्यू मान लेते हैं 10.9 मीटर, ठीक बेटा, और फोर्थ वैल्यू है 11.1 मीटर, और फिफ्थ है 11.3 मीटर। इन सब की आप एवरेज निकाल लो तो ये वैल्यू आ गई 10.8 मीटर। अब देखो क्या एवरेज वैल्यू एग्जैक्ट के सेम है, नहीं,
तो इसका मतलब एक्यूरेसी क्या है बेटा, पुअर। क्या एवरेज वैल्यू इनके नियरली है? नहीं, देखो 0.8 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब प्रिसीजन भी क्या है, पुअर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुअर एक्यूरेसी एंड पुअर प्रिसीजन। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते हैं, ये कहेंगे कि एक एग्जैक्ट वैल्यू इतनी है, 5 या 4 3 मेजरमेंट दे देगा, और फिर आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन होगा कि पुअर एक्यूरेसी, या फिर सेकंड ऑप्शन में होगा गुड एक्यूरेसी, पुअर प्रिसीजन, गुड प्रिसीजन, या दोनों कंबाइंड करके, तो आपको ऑप्शन में ऐसे टिक करना पड़ता है। तो पहला पॉइंट हमारा है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी क्या होती है? तो दो वैल्यू बनती है, एक एक्यूरेट और एक प्रिसाइज या प्रिसीजन। तो दोनों वैल्यू आपको पता चलेगी। अब हमें पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिग्निफिकेंट फिगर बेटा ध्यान से देखेंगे इसको, एक बार इन क्वेश्चन को नोट करेंगे, कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, वो क्वेश्चन आप सभी को करना है, ठीक है? तो यहां तक क्लियर हो गया। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताऊंगा, ठीक है बेटा? तो यहां तक सोल्व करेंगे सभी।